अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। यू नो, कल रात में नंदिनी की पार्टी में गई थी। वाओ, क्या बात है। गेस करो पार्टी कहाँ पर थी। कहाँ पे थी, एरोप्लेन में? नहीं यार, चलते फिरते ट्रेलर पर थी। ओह हाँ। अच्छा तुम लोगों को पता है कि उसकी अगली पार्टी कहाँ पे है? कहाँ पे है? भैंसों के तबेलों में। भैंसों के तबेलों में। धीर बेटा, पानी के पास मत जाना वरना ठंड लग जाएगी तुम्हें। हाँ धीर बेटा, धीर बेटा ये मत करना, धीर बेटा वो मत करना, एक काम कर, जाके अपने मम्मी के पल्लू में छिप जा, समझा? देव मुझे गुस्सा मत दिला। क्या करेगा, मम्मी को बोल देगा, जा बोल दे। देव ज्यादा मजाक नहीं। क्या करेगा, मारेगा? That's enough now, देव, that's enough. मारेगा मुझे तू? देव अब बहुत हो गया। क्यों, क्या कर लेगा, क्या कर लेगा, मारेगा? हाँ। ये मुझे क्या हो गया? अरे बचाओ उसे। थैंक गॉड बच गई। वहां पर कुछ मैंने देखा, वहां कुछ है, मैं आता हूँ देख के। उसके अंदर वो पानी के अंदर बॉक्स है। बॉक्स? हमारे लेक में बॉक्स कहाँ से आ गया? ट्रेन उतर लेना, सेंटर में, जल्दी से। ये आपको पता कैसे चला कि आपके इस लेक में बॉक्स है? बच्चे लोग खेल रहे थे, इन्हें पता लगा। आज से पहले आपने ये फार्म हाउस किसी को दिया था क्या? क्या मतलब? मतलब आज से पहले आपके फार्म हाउस में कोई आके रहा है? हमारे फार्म हाउस में कोई और नहीं आता, हम ही लोग आते हैं वीकेंड मनाने। और ये बॉक्स यहाँ तालाब में कैसे आया मुझे नहीं मालूम। संभल के। कटोर से बॉक्स में लाश। माय गॉड, देखा, ट्रंक में लाश है। हमारे यहाँ पे लाश? शायद खून हुआ है किसी का, समझिए आप। हमारे फार्म हाउस पे लाश कहाँ से आ गई? लाश का स्केलेटन बन गया है। लगता है बहुत दिनों से ये ट्रंक इस लेक में पड़ी है। क्या समरफील्ड कॉलेज? समरफील्ड कॉलेज। पहले मुसीबत कुछ कम थी, जब पुलिस भी आ गई, कॉलेज रीओपनिंग की वजह से जरा ब्लड प्रेशर वैसे बहुत हाई हो रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, बताइए। देखिए मिस्टर परनिंदू, आपके कॉलेज से 5 किलोमीटर की दूरी पे एक फार्म हाउस है। उस फार्म हाउस की बाउंड्री के अंदर एक झील से हमें एक डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी? लेकिन इसका हमारे कॉलेज से क्या संबंध है? संबंध है सर। देखिए सर, गर्मी की छुट्टी के बाद अभी अभी कॉलेज खुला है, मैं
मैं खुद 3 दिन पहले आया हूँ यहाँ पर, लेकिन अभी तक मुझे किसी भी स्टूडेंट के गायब होने की या उसके मरने की सूचना नहीं मिली है। लेकिन हमें उस डेड बॉडी पे ये नीले रंग की स्वेटशर्ट मिली है जिस पे आपके कॉलेज का मोनोग्राम है, समरफील्ड कॉलेज। देखिए ना, कोई भी स्टूडेंट किसी को भी अपना स्वेटशर्ट पहनने के लिए दे सकता है ना। आप एक बार फिर से चेक करिए सर, ये लाश का मामला है, ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि लाश किसकी। आई एम श्योर हमारे कॉलेज से कोई भी गायब नहीं है। सर अगर यहाँ से कोई गायब नहीं है तो पता कैसे चलेगा? हाँ मुश्किल तो है। ठीक है मिस्टर परनिंदू, कॉलेज तो आज ही खुला है, जब सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे तो हम लोग वापस आ जाएंगे पता लगाने के लिए। अच्छा भला मम्मी ने बोला था जल्दी करो जल्दी करो, मैंने ये बात नहीं सुनी। अगर रास्ते में बारिश हो गई तो मैं क्या करूंगी? ओ गॉड। रुको 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 रुको, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? क्या कर रहे हो गाड़ी के सामने? सिवा से भूखा हूँ, कुछ 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 पैसे दे देना, पैसे दे देना। अरे इतनी रात को भीख मांग रहे हो, चलो टाइम से जाओ। बहुत भूख लगी है, कुछ तो दे दो, भगवान आपका भला करे, कुछ दे दो, कुछ तो भी खाने को। नहीं नीचे उतर, उतर नीचे नीचे उतर। ए, 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 मेरी बात सुनो तुम, मेरी बात सुनो, पीछे पीछे कोई है। ए, गाड़ी रोको गाड़ी रोको, पीछे कोई है, गाड़ी रोको। कितना डर आ रहा था, अब कुछ भी हो जाए मैं गाड़ी नहीं रोकूंगी। कौन हो तुम? अभिजीत, लगता है ये खूनी साइकोटिक है, इतने सारे स्कॉर्पियंस इकट्ठा करने में महीने लगे होंगे। हाँ सर, ऐसी सुनसान जगह पे ये बॉक्स लेकर आना, पहले मारा फिर ये बिच्छू, बहुत लंबी प्लानिंग की होगी सर। हाँ, और ये गाड़ी, वो इस गाड़ी में किसी बहाने इसे यहाँ ले आया और जैसे ही गाड़ी यहाँ रुकी उसे इस तरह से मार दिया। क्या हुआ प्रिडिक्ट? क्या हुआ सर? बिच्छू ने काट लिया इन्हें सर। मैंने कहा था संभाल के काम करो, जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले जाओ, खुद तो खुद तो करते रहता। अरे सर मैंने तो नहीं सर। पिछले 6 घंटे में ये दूसरी लाश मिली है, अभी तक उस लड़की के खूनी का कुछ भी पता नहीं चला जिसकी बॉडी हमें हाईवे पे मिली है। हाँ ओह माय गॉड सर। क्या हुआ मुस्कान? सर ये देखिए, समरफील्ड कॉलेज, इसका मतलब तीसरी लाश भी समरफील्ड कॉलेज की है। विजय फिर से देख लीजिए, ये वो वाली बॉडी है जो हमें आपके कॉलेज के पास वाले फार्म हाउस की झील में से मिली। यकीन नहीं आता, मतलब ये नहीं, ये नहीं हो सकता है। दो और खून? हाँ दो और खून, ये दोनों स्टूडेंट्स आप ही के कॉलेज के हैं, है ना? ओह माय गॉड, ये अनुज है और ये नैना, ये दोनों फाइनल ईयर के स्टूडेंट और क्रिमिनल साइकोलॉजी पढ़ रहे थे। देखिए ये जो तीनों बॉडीज हमें मिली उनमें एक बात कॉमन, इन तीनों का कनेक्शन किसी न किसी वजह से इस समरफील्ड कॉलेज से है। ये दो का तो पता चल गया है, ये तीसरी बॉडी किसकी है इसका पता नहीं चल रहा है। देखिए लाशें हमें मिली है और ये सारी लाशें एक ही कॉलेज की स्टूडेंट्स की है, ये बात चौंका देने वाली। सर आपने तो मेरे दिमाग को हिला दिया, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स को कौन इस तरह से मार रहा है। रिलीफ, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। लेकिन आपको हमारी मदद तो करनी पड़ेगी। सर मैं और क्या मदद करूँगा, मैंने आपको बता तो दिया कि दोनों स्टूडेंट इसी कॉलेज के हैं। देखिए सर, आज स्टूडेंट्स के कॉलेज में आने का आखिरी दिन था,
सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं। ये तीसरी लाश इस कॉलेज के किसी भी स्टूडेंट की नहीं हो सकती है, क्योंकि इन दोनों के अलावा हमारे यहाँ से और कोई गायब नहीं है। पर आपके कॉलेज की स्वेट शर्ट हमें लाश के साथ मिली है। सर, ये हमारे स्कूल की परमानेंट ड्रेस नहीं है। कोई भी स्टूडेंट अपने भाई को, बहन को, किसी को भी ऐसा स्वेट शर्ट पहनने के लिए दे सकता है। मैंने कहा ना सर, कि आप खुद जाकर अटेंडेंस चेक कर सकते हैं। अगर आप कहें तो मैं सारे स्टूडेंट्स को यहाँ बुलवा लूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिस टंक में से हमें लाश मिली उसमें ये निशान मिला था। ये निशान अहमदाबाद का है। क्या आपके यहाँ कोई अहमदाबाद का स्टूडेंट है? पता नहीं, लेकिन हो भी सकता है। मैं चेक करवाता हूँ। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, नैना और अनुज के क्लास में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि अहमदाबाद से हो। अगर उस क्लास में नहीं है तो फिर ये डेड बॉडी है किसकी? सर, मैंने पता लगा लिया है। ये लाश एक लड़की की है। इसकी उम्र काफी कम थी, ये कुछ 19 साल होगी, और लाश 6 महीने से भी ज्यादा पुरानी है। सर, कोई ऐसा तरीका जिससे पता लगाया जा सके कि ये लड़की है कौन? इसका चेहरा बहुत ही बुरी तरह से कुचला गया है, ये देखिए। चेहरे की सारी हड्डियां टूट गई हैं। खोपड़ी पे मुश्किल होगा सर। हाँ, लेकिन डीएनए वगैरह से तो पता चल सकता है। हाँ, डीएनए का प्रोफाइल निकाल देंगे। मैं कोशिश करती हूँ। सर, लाश के ऊपर समरफील्ड कॉलेज के शर्ट, तो इस लड़की का उस कॉलेज से जरूर कुछ ना कुछ संबंध। तो हमें ये पता लगाना चाहिए कि पिछले 6 महीनों में समरफील्ड कॉलेज से 19 साल की कोई लड़की गायब हुई है क्या? प्रोफेसर रिजी, आप यहाँ के वार्डन हैं और या साइकोलॉजी पढ़ाते हैं? जी सर, 30 साल से। अनुज और नैना के क्लास के स्टूडेंट्स को मैंने बुलवाया है, वो आपकी मदद करेंगे। सर आइए, मिलवाता हूँ। ये रंकाल, जिया, शिखर, दीप्ति, सुनील, रीना, हरीश, कृतिका। जैसा कि आपको पता ही है कि आपके कॉलेज के 2 स्टूडेंट का खून हो गया है, लेकिन इसके अलावा हमें एक और लाश भी मिली है, और ख़ास बात यह है कि उस लाश ने भी आपके कॉलेज की ही शर्ट पहनी हुई है, स्वेट शर्ट। सर ज़रा ये फोटो दिखा दीजिए। और ये एक लड़की की लाश है। एक्सक्यूज मी सर, मेरे ये स्टूडेंट्स पहले से बहुत डरे हुए। एक बात समझ में नहीं आती है कि आप लोग समरफील्ड स्कूल के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आप क्या समझते हैं कातिल यहां पर है? खून यहां पर है? नहीं, वो शायद बाहर किसी और को मारने की तैयारी कर रहा है। इतनी मेहनत से इस कॉलेज की रेपुटेशन बनाई थी, आप लोग क्यों बर्बाद करने पुतले हुए हैं? प्लीज मिस प्रणाल, आप अब आप ही लोगों को कुछ समझाइए ना। आप मिस प्रणाल क्रिमिनल साइकोलॉजी के प्रोफेसर। आप लोग प्लीज मिस्टर पर्णेंदु की बात का बुरा मत मानिएगा। आप समझ सकते हैं हमारी क्या हालत है। बड़ी मुश्किल से नैना और अनुज के माँ बाप को समझाया है। देखिए, ये सब हम आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं, कहीं वो खूनी किसी और स्टूडेंट का खून ना कर दे। इस फोटो से तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक बात बताओ, 7-8 महीने पहले आपके यहाँ से कोई स्टूडेंट कॉलेज छोड़ के गया था या अचानक गायब हुआ था? हाँ सर, पिछले साल 2 स्टूडेंट बीच में कॉलेज छोड़ के चले गए थे। दो स्टूडेंट कौन थे वो? वो सुमेर और प्रतिजी थे। सुमेर तो ऑस्ट्रेलिया चले गया, पर प्रतिजी प्यार व्यार के चक्कर में किसी आवारा लड़के के साथ भाग गई थी। मैंने भी जब उस वक्त सुना तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि प्रतिजी जैसी लड़की ऐसा कर सकती है। वो तो बहुत होशियार लड़की थी। उसके भागने से पहले हम लोगों को भी कुछ पता नहीं था सर। शनिवार का दिन था, उसने कहा था उसको शाम को किसी से मिलने जाना है, लेकिन रात को वो लौट के आई नहीं। जिस लड़के के साथ प्रतिजी भागी थी, क्या आप में से कोई उसे जानता है? सर, वैसे प्रतिजी ने कभी कुछ बताया नहीं हमें, पर हाँ, हमने उसे पेस्टो बार के बाहर किसी से मिलते हुए देखा था। तुम पहचान सकोगी उसे? तुम्हें याद है वो दिखता कैसे था? यस सर, मैं उसे कभी नहीं भूल सकती हूँ। फिर तो बन गया काम। विवेक,
पुलिस आर्टिस्ट को जल्दी से बुलाओ। मिस्टर परनिंदु, आपके कॉलेज के रिकॉर्ड से हमें प्रति जी का एड्रेस दीजिए और उसका फोटो भी होगा, वो हमें जरा दीजिए। अभिजीत, जैसे स्केच तैयार हो जाए तुम और विवेक पेस्टो बार में चले जाओ और हम प्रति जी के घर जाते हैं। तो ये है पेस्टो बार। ऐसा लगता है कि यहाँ पे मुजरा होने वाला है। आई मीन सर, प्रति जी को कोई और जगह नहीं मिली क्या? गुनागार ऐसी जगह पे मिलते हैं विवेक, मुझे लगता है पेड्रिस को यहाँ लेके आना चाहिए, उसके बिच्छू काटने का दर्द एकदम खत्म हो जाएगा। सर, मुझे लगता है कि जिया ने गलत नाम सुना होगा सर। कहाँ समफी जैसा पॉश स्कूल सर, कहाँ ये सस्ता बार। अजीब बात है, लेकिन जब आ गए हैं तो देखते ही हैं वो आदमी यहाँ मिलता है कि नहीं। उस आदमी को देखो सर। हाँ सर, शायद वही है सर। सर लेकिन एक फर्क है, उसने चश्मे पहने हैं सर। चश्मे का क्या है, चश्मा तो कभी भी उतारा और पहना जा सकता है, शायद जी ऐसे गलती हुई हो। चलो जरा देखते हैं। ये तुम ही हो ना? क्या बात है भाई साहब, इस लड़की को पहचानते हो? ना तो ये मैं हूँ ना ये इस लड़की को मैं पहचानता हूँ, लेकिन आप लोग कौन हो? CID? अगर CID का नाम सुनने के बाद तुम्हें अचानक कुछ याद आ जाए तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। देखिए आप लोग जबरदस्ती मेरे गले मत पड़िए। क्या हो रहा है आप? हम लोग CID से। CID? क्या बात है सर? इस आदमी को ढूंढने आए, ये इस लड़की का बॉयफ्रेंड है। विवेक जरा फोटो दिखाओ। ये हाँ, इस लड़की को मैंने देखा है सर, दो तीन बार मेरे बार में आई है, लेकिन करीब 6 महीने से मैंने इसे नहीं देखा। क्योंकि इसके बॉयफ्रेंड ने इसे गायब जो कर दिया। नहीं 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 सर, आपको कोई गलती हुई है, टॉम इसका बॉयफ्रेंड हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो 3 महीने पहले यहाँ पर आया है बाउंसर का काम करने के लिए। पक्की बात? सर पेस्टो CID से झूठ क्यों बोलेगा, वैसे भी हमारा और पुलिस का तो बहुत प्यार है। अच्छा जरा ये बताओ, ये इस लड़की को तुमने किसी के साथ यहाँ पे देखा है? हाँ सर, उसके साथ एक लड़का आता था, लेकिन पहचानते हो सर? सॉरी सर, यहाँ पर इतने सारे कस्टमर आते जाते हैं, सब कैसे याद रहेंगे, और वैसे भी इस बात को बहुत सारा टाइम हो चुका है। जी आप लोग? हम लोग CID से हैं। आप प्रतीक्षा की माँ हैं? प्रतीक्षा की माँ? नहीं, वो तो यहाँ नहीं है। यहाँ पर नहीं है, मगर हमें तो पता चला कि वो यहीं पर रहती है, हमारे पास उनका एड्रेस भी है, ये देखिए। एड्रेस तो बिल्कुल सही है, लेकिन अब हम लोग यहाँ रहते हैं। तो फिर प्रतीक्षा के परिवार वाले गए कहाँ? वो अब इस दुनिया में नहीं है। वाह, माँ बाप दोनों नहीं है? जी हाँ, दोनों नहीं है। जिस दिन उन्हें पता चला कि प्रतीक्षा अपने कॉलेज के किसी फ्रेंड के साथ में भाग गई है, वो फौरन घर से निकल पड़े और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, उनका कोई सामान वगैरह होगा या कहाँ रखा लाइन रखा होगा या फेंक दिया? हाँ, कुछ सामान है उनका यहाँ, कुछ फाइल्स और कुछ सामान, मैं अभी लाती हूँ। सर, आपको लगता है कि हमें यहाँ से कुछ मिलेगा? देखते हैं, कुछ ना कुछ तो पता चलेगा इस प्रतीक्षा के बारे में। ये है उनकी कुछ फाइल्स और ये बैग। थैंक्स। सर अब क्या करें सर, यहाँ पे तो कोई बात बनी नहीं सर, कल एक बार फिर से ट्राई करें क्या? हाँ वही करना पड़ेगा। सर ये लड़की तो वही देख रहा हूँ मैं, ये तो समर पील की स्टूडेंट है, यहाँ पे इस आदमी के साथ ऐसी गंदी जगह पे क्या कर रही है, वो भी इस टाइम। विवेक जरा वो स्केच देना। ये आदमी तो बिल्कुल इसके जैसा दिख रहा है, अगर ये मूंछें हटा दें तो ये आदमी बिल्कुल वही है। ये वही है, हिम्मत तो देखो, फिर से फंसा रहा किसी लड़की को। भाई
चलो बस बहुत होगी मीटिंग, अपने घर जाओ तुम। चलो एक्सक्यूज मी, क्या बदतमीजी है ये? लीव मी। प्रति जी का नाम सुना है? प्रति जी? प्रति जी का बॉयफ्रेंड? हाँ प्रति जी का, अभिजीत और विवेक उसे लेकर आ रहे हैं। सर ये आ गया। ये तुम जानते हो इसे? ये वही है सर, यही प्रति जी के साथ घूमता रहता था, मुझे अच्छी तरह याद है सर। जी सर, प्रति जी के भागने से पहले यही आदमी उसे मिलने आता था। जिया, ये जिया कहाँ है? सर उसे अचानक तेज बुखार आ गया है, इसीलिए वो मेडिकल रूम में आराम कर रही है। देखो अभिनय, अब छुपाने से कोई फायदा नहीं, समझे? इन सब लोगों ने तुम्हें पहचान लिया है। अब बताओ तुमने प्रति जी के साथ क्या किया है? अरे आप लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए। अरे ना मैं कहीं भागा हूँ और ना ही मेरा उस प्रति जी से कुछ लेना देना था। हाँ मैं उसे एक जरूरी काम के लिए मिला था, वो भी केवल इसलिए क्योंकि वो इस समरफील्ड कॉलेज की स्टूडेंट थी। जरूरी काम? अच्छा ऐसा क्या जरूरी काम निकला? ये सर, ये प्लीज आप ये देखिए, मेरा नाम अभिनय है, यहाँ की लोकल यूनिवर्सिटी का सीनियर इन्विजिलेटर। समरफील्ड और दूसरे जितने कॉलेज हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, वहाँ पर जितने भी इलीगल काम होते हैं उनकी रिपोर्ट देना मेरा काम है। इसलिए प्रति जी को मिलने की क्या जरूरत थी? पहली बार प्रति जी खुद मुझसे मिलने आई थी, वो बहुत परेशान थी, उसके पास कुछ इम्पोर्टेंट सबूत थे कि समरफील्ड में कुछ गड़बड़ चल रही है। प्रति जी यहाँ बहुत परेशान थी इसलिए तुम उसे पेस्टो बार में लेके गए, हैं? ये आइडिया भी मेरा नहीं प्रति जी का ही था, उसी ने ये कहा था कि पेस्टो बार में मिलना ठीक रहेगा क्योंकि कोई भी ये नहीं सोचेगा कि समरफील्ड की कोई स्टूडेंट इतने इतने गंदे बार में जा सकती है। अच्छा ये बात, आखिरी बार कब देखा था उसे तुमने? अरे वो आप सर प्लीज प्लीज मुझ पर विश्वास कीजिए आप लोग प्लीज। देखिए प्रति जी ने कहा था कि वो सबूत लेकर वहां आएगी, लेकिन वो वहां पहुंची ही नहीं, और सर अगले दिन ही मुझे अपनी फैमिली की इमरजेंसी की वजह से बाहर जाना पड़ गया। तो फिर इतने महीनों के बाद आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वही इंक्वायरी। देखिए प्रति जी के गायब होने के बाद मुझे कहीं कुछ नहीं मिला, और फाइल बंद होने से पहले मैंने सोचा कि एक कोशिश और करते हैं, और मैं उसी स्टूडेंट से बात कर रहा था तब आपने मुझे देख लिया और ये। अभिजीत मतलब अभिनय और प्रतीची एक दिन के आसपास गायब हो गए, मगर उन्हें किसी ने नहीं देखा, तो इन सबको लगा कि ये दोनों एक साथ यहां से भाग गए। मगर सर सवाल वहीं का वहीं है, अगर अभिनय ने प्रतीची का खून नहीं किया तो फिर किसने किया? डॉक्टर नियति, हमें प्रतीजी के मां बाप नहीं मिले, वो बेचारे इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन प्रतीजी के घर से हमें ये फाइल मिली है, प्रतीजी की मेडिकल रिपोर्ट। इसमें एक बड़ी चौंका देने वाली बात लिखी है, प्रतीजी को हीमोफीलिया था। हीमोफीलिया? जी हाँ, प्रतीजी को हीमोफीलिया था और कॉलेज में किसी को भी पता नहीं, ये तो सबसे बड़ी अजीब बात है। वाकई सर, मैंने इस लाश का डीएनए प्रोफाइल ले लिया। क्या है इसमें, कोई स्पेशल बात? सर ये मेडिकल रिपोर्ट जो मुझे बता रही है, ये बॉडी भी मुझे वही बता रही है। मतलब ये लाश? हो सकता है कि ये लाश प्रति जी की है, क्योंकि डीएनए टेस्ट के मुताबिक इसे भी शायद हेमोफीलिया था। ये हेमोफीलिया बड़ी अजीब सी बीमारी है, जिसमें पेशेंट के बॉडी में एक छोटी सी खरोच भी लग जाए तो खून रुकने का नाम नहीं लेता, और अगर रोका नहीं गया तो मौत हो सकती है। हो सकता है ये बेचारी खून बहने से ही मर गई हो। ये मारने वालों को ये बात मालूम होगी क्या? सर एक बात तो साफ है, किसी स्टूडेंट को हेमोफीलिया हो ये बात छुपी नहीं रह सकती। हो सकता है प्रिंसिपल को ना पता हो, लेकिन किसी ना किसी स्टूडेंट को जरूर पता हो।
इस कॉलेज में खतरनाक चीज होते जा रहे, एक के बाद एक खून होते जा रहे। मुझे जल्द से जल्द दूसरी कॉलेज में नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहिए इससे पहले कि मुझे कुछ हो जाए। कौन है, कौन है वहां पे? लगता है मेरी बारी है। कौन है, कौन है वहां पे? प्रोफेसर साहब, हिल जी, अरे सुनिए तो, रुकिए तो साहब, अरे प्रोफेसर साहब एक मिनट रुकिए। अरे रुको प्रोफेसर साहब, क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहा है? हाथ दुख रहा है, हाथ तो छोड़ो। क्या क्या हुआ है, क्या हुआ हाथ में? ये क्या क्या हुआ, क्या हाथ में? एसिड गिर गया था। एसिड गिर गया? हाँ। कैसे? वो लैब में एक्सपेरिमेंट करते वक्त। ओह, इर जी आपको पता है जो लाश हमें ट्रंक में से मिली है वो प्रतिजी की है? प्रतिजी? वो प्रतिजी थी? जी हाँ, और हमें ऐसा लगता है कि जिसने प्रतिजी का खून किया है उसी आदमी ने वो दोनों खून किए। तीनों का खूनी एक ही है। प्रोफेसर साहब, आपके तो पसीने छूट रहे हैं। क्या हुआ, ऐसा लग रहा है तीनों खून आपने ही किया? मैंने खून नहीं किया सर, वो दर्द हो रहा है सर, इसलिए पसीना छूट रहा है। दर्द हो रहा है? हाँ सर। ये स्टूडेंट्स इस वक्त कहाँ पे होंगे? स्टूडेंट्स अब क्लासेस छूट गए तो स्टूडेंट्स अपने रूम में गए होंगे। जिया को बाहर निकालो। okay. और तुम सब लोग पीछे हट जाओ। कुछ नहीं होगा, आराम से हट जाओ, पीछे हट जाओ, और कोई अंदर गिरना नहीं चाहिए। देखिए, आप इनको अभी कोई दवा वगैरह दे सकती हैं? हमें जो करना है वो हम कर देंगे, लेकिन आप लोग भी कुछ कीजिए ना, हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स का जीना मुश्किल हो रहा है। हम लोग कहीं भाग तो नहीं रहे ना मैडम, हम लोग भी यही है आप लोगों के साथ, और यहाँ भी हम लोग ही पहले आए थे। किसी ने कॉलेज में गड्ढा खोदा और यहाँ बैम्बू के डंडे भी गाड़े। मुझे तो ये सब देख के बहुत डर लग रहा है सर। आप लोग प्लीज अपने अपने कमरे में जाइए, प्लीज जाइए, चलिए। ये जगह कॉलेज के प्रिमाइसेस से काफी दूर है, इसलिए खूनी आराम से यहाँ गड्ढा खोद सका। इसने गड्ढा तो यहाँ पे खोद दिया, लेकिन वो जिया को यहाँ पे लेके आया कैसे होगा? ये खूनी काफी दिमाग चला रहा है। ये क्या है? वो देखो सर, ये तो किसी के जूते का इंप्रेशन लग रहा है। हाँ, जूते का इंप्रेशन है, और ये जूते का इंप्रेशन उसी जगह पर है। इसका मतलब है जिया यहां खड़ी होगी और किसी ने पीछे से आके उसे धक्का दिया और वो गिर गई। ये जरूर उस खूनी की जूते का निशान है। ये निशान नीला कैसे? लगता है सर कोई केमिकल है। केमिकल है? ये केमिकल का ही कोई लोचा है। जय, तुम्हें याद है ना वो हीर जी, हीर जी के हाथ में पट्टी? सर ये हीर जी के हाथ में एसिड गिरा है। अच्छा, हीर जी को पकड़ो। अब ये जिया की तबीयत कैसी है? पहले से तो ठीक है सर,
नर्स ने अभी अभी मेडिसिन दिया है। और मृणाल मैडम कहाँ है? जो कुछ अभी अभी हुआ है उसके बारे में प्रिंसिपल सर को बताने गए। वो तो ये सुन के बेहोशी हो जाएगी। एक तो पहले से इतनी टेंशन है सर। नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं ना, हम किस लिए? प्रोफेसर हीर जी आप जरा हमारे साथ आइए। क्या बात है सर? हीर जी कल लैब में हुआ क्या था? फूटी कैसे वो एसिड की बॉटल? सर वो तो एक्सीडेंट था, बॉटल फूटी नहीं थी। एक्सीडेंट था? हाँ सर। मतलब बॉटल अपने आप गिर गई? नहीं सर, वो दरअसल बॉटल वो जब उठाने गया था तो हाथ से फिसल के गिर गई। एसिड की बॉटल हाथ से फिसल गई है? हाथ से फिसल गई या किसी ने गिरा दी जानबूझ के? सर मुझे तो ठीक याद नहीं सर, मेरा मुंह तो दूसरी तरफ था। अचानक जोर से आवाज आई तो मैंने मुड़ के देखा, सारे में एसिड बिखरा हुआ था, किसी का हाथ जल गया तो किसी का पैर सर, और बाहर से लोग भागकर अंदर आ गए। मालूम है जिस गड्ढे में जिया गिरी हुई थी उसके आसपास कहीं कहीं पे कुछ नीले रंग का केमिकल पड़ा हुआ था, किसी एसिड से आसपास के घास वगैरह जल गई। सर ये तो वही एसिड से होता है जो कल गिर गया था, नाइट्रोसल्फिक मेथा एसिड। जी हाँ वही एसिड है। मालूम है वह एसिड वहां कैसे पहुंचा? नहीं सर। जिस आदमी ने जिया को मारने की कोशिश की थी उस आदमी के जूते पे ये एसिड लगा हुआ था, बहुत सारा एसिड, इसलिए एसिड वहां पहुंचा। सर मतलब वो? हाँ वही आदमी, वो खूनी उस वक्त लैब में था जब एसिड की बॉटल फूटी, समझे? खूनी आप लोगों में सही कोई है हीर जी? अब एक काम करिए, जल्दी से हमें उन लोगों के नाम लिख के दीजिए जो उस वक्त लैब में मौजूद। कल जब लैब में एसिड की बड़ी बॉटल फूटी तब वहां 7 स्टूडेंट्स मौजूद थे, जीना, सोहन, रंकाल, दीप्ति, कृतिका, सुनील, शिखर और एक प्रोफेसर थे। प्रोफेसर थे सर हीर जी, और जैसे ही एसिड की बॉटल जमीन पर गिरी शायद जोर से आवाज हुई होगी, आसपास के लोग भागते हुए वहां पे आए। क्या देखा उन्होंने? यही कि सर एसिड लैब की फ्लोर पे चारों तरफ फैला हुआ था और इन सब लोगों के पैरों पे ये एसिड लग गया, जूतों पे, सैंडल पे, किसी किसी के तो कपड़े भी जल गए थे। और ऐसा ही एसिड वहां पर मिला जहां पर जिया गड्ढे में गिरी थी, तो इसका मतलब है इनमें से ही किसी ने जिया का खून करने की कोशिश की, और पहले जो 2 खून हुए हैं शायद इसी ने किए होंगे। सर जब हाईवे पे नैना का खून हुआ उस वक्त प्रिंसिपल तो कॉलेज में ही थे, मतलब वो तो नहीं हो सकते। अब बचे 11, तो चलो मान लेते कि प्रिंसिपल परनिंदु खूनी नहीं है। सर इस अटेंडेंस रजिस्टर के हिसाब से 3 स्टूडेंट्स अनुज और नैना के खून से पहले कॉलेज में आए थे, वो है जीना, सोहन और कृतिका। ये कॉलेज के अंदर आने के बाद कॉलेज से बाहर नहीं गए। तो चलो इन 3 के नाम भी काट देते हैं, जीना, सोहन और कृतिका। कृतिका फिलोसॉफी के प्रोफेसर का खूनी होने का तो चांस बहुत कम है सर, इस उम्र में हार्ट पेशेंट होने के बावजूद वो चल रहे हैं यही बड़ी बात है, और कॉलेज के जवान स्टूडेंट्स को पकड़ के मारना ये इनके बस की बात नहीं है। और सर ये जेनिटर तो कॉलेज से बाहर गया ही नहीं है। अच्छा ठीक है, इनका भी नाम काट दिया। तो बाकी बचे 6, रंकाल, दीप्ति, हिरजी, सुनील, मृणाल और शिखर। इन 6 के पास कोई ऐसा गवाह नहीं है जो बता सके कि खून होते वक्त ये लोग क्या कर रहे थे, कहां थे। इन सब पर कड़ी नजर रखो, इस बार तो जिया बेचारी बच गई, शायद खूनी जल्दी फिर से कोशिश करेगा। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या हुआ? ये रंकाल, शिखर और मृणाल मैडम कैंटीन से बाहर ही नहीं आए, कहीं कुछ हो तो नहीं क्या? अरे गार्ड सुनो,
यहाँ कैंटीन में से सब लोग चले गए? हाँ सर, सब कुछ चले गए। मगर हमें लगता है कि तीन लोग अंदर गए मगर अभी तक बाहर वापस नहीं आए। कौन लोग साहब? कंकाल शिखर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मृणाल मैडम। कहाँ है वो, देखा है तुमने उनको? वो क्या, कहाँ गई वो? किचन के दरवाजे से बाहर निकल गए, वहाँ पीछे से। किचन के दरवाजे से, वहाँ से? हाँ सर, वो किचन के पीछे वाला रास्ता, वो कॉलेज के सीधे पीछे वाले गेट को निकलता है सर। कहाँ जाता, कहाँ वो रास्ता? वो शिमला पहाड़ी की तरफ जाता है। शिमला पहाड़ी की तरफ, लेट्स गो। मैम, ना मैम, क्या क्या कर रहे हैं आप? अबे केरोसिन, ये तो क्या केरोसिन है? मैम, मैम आपने तो कहा था मैम ऐसी जगह लेके जाएंगी जहाँ मैं कुछ नहीं होगा। ऐसी ही जगह पहुँचाने वाली हूँ तुम्हें जहाँ पहुँचकर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रति जी को जहाँ पहुँचाया था ना तुमने, वहीं जाना पड़ेगा तुम्हें। प्रति जी? हाँ प्रति जी, मुझे सब कुछ पता है क्या किया था तुम लोगों ने प्रति जी के साथ। मैं प्रति जी की माँ हूँ, क्या बिगाड़ा था मेरी बच्ची ने तुम लोगों का। हमें माफ कर दीजिए मैम, मैम प्लीज माफ कर दीजिए हमें, हमने जानबूझ के प्रति जी को नहीं मारा था। तुम्हारी माफी से मेरी बच्ची प्रति जी वापस नहीं आ सकती। फायर एक्सटिंग्विशर लो, जल्दी संभल के, संभल के। पकड़ो उसे, चुप। तुम्हारा खेल खत्म हो गया मृणाल मैडम, तुम सब लोग खूनी, सब लोग। मृणाल ने जो कुछ भी कहा सच है ना? अब इतना भोला बनने की जरूरत नहीं है, समझे? अपने ही दोस्त का खून कर दिया हा? सर हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे हाथ से प्रति जी का खून हो जाएगा। सर वो हम सबको फंसाने वाली थी, उसे पता चल गया था कि हम सब एग्जाम्स के पेपर चुराए प्रिंसिपल के ऑफिस में। हमारी तो पूरी जिंदगी खराब हो जाती सर अगर वो सबको पता देते। हमने बहुत कोशिश की सर उसे समझाने की पर वो माने ही नहीं सर, इसलिए हमें उसे चुप करना पड़ा। नो, तुम लोग मेरे पास मत। विश्वास नहीं होता कॉलेज में पढ़ने वाले ये स्टूडेंट्स इतनी बेदर्दी से ये सब कुछ कर सकते हैं। हम लोग क्या करते सर, अपनी लाइफ बचाने के लिए हमें प्रति जी को खत्म करना पड़ा सर। लाइफ? वाह, खूनी की लाइफ क्या होती है मालूम है तुम्हें? तुम्हारे दोस्तों का क्या हुआ मालूम है ना? वही हाल तुम्हारा भी होता है। और मृणाल तुमने कानून को अपने हाथ में लिया, क्या कर रही थी तुम? तुम्हें क्या लगा इन लोगों को मारने से तुम्हारी प्रति जी तुम्हें वापस मिल जाएगी? प्रति जी मुझसे फोन पर बात कर रही थी जब इन लोगों ने उससे झगड़ा शुरू किया। इन लोगों ने मेरी पेट की जान ले ली, मैं सब सुनती रही फोन पे और अपने बेटे को बचा नहीं पाई। इसीलिए मैंने इनसे खुद बदला लिया। आई एम सॉरी ब्रिनाल, लेकिन तुमने भी अपने लिए सारे रास्ते बंद कर दिए, अब तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं बचा। तुम
सबको खून के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। Thank you.